मेरा नाम डॉक्टर शर्मीन और आज हम बात कर रहे हैं पेशेंट मिस्टर शेख इलियास की। जब आए थे हमारे पास तो काफ़ी मैसिव डिजीज़ लेकर आए थे, काफ़ी सीरियस नेचर की डिजीज़ थी। फिर इन्होंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए और कहा कि आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 महीना रह गया है। इनके रिश्तेदारों से इनके भाइयों को बताया कि हमारे पास कोई इनके लिए ट्रीटमेंट नहीं है और आप इनकी खाली सेवा कर लीजिए जितनी भी कर सकते हैं। उनको ये प्रॉब्लम करीब 2015 और 14 के बीच में शुरू हुई थी। हमारे लिए भी ये मुश्किल काम था क्योंकि काफ़ी मैसिव और सीवियर किस्म की डिज़ीज़ थी। मई 2019 में हमने इनको डेनवैक्स थेरेपी दी और आज की तारीख में ये बिल्कुल ठीक हैं। इन्होंने अपना काम संभाल लिया है, इन्होंने अपने घर संभाल लिया है और ये अपनी वापस जॉब पर चले गए। ये खाना खा सकते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। आइए आज हम इनकी कहानी सुनेंगे इन्हीं की ज़ुबान से। जी आदाब, मेरा नाम डॉक्टर शर्मीन और आज हम बात कर रहे हैं पेशेंट मिस्टर शेख इलियास की, जो सूरत से बिलोंग करते हैं गुजरात में। तो ये हमारे पास करीब मई 2019 में आए थे और इनको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी थे, यानी कि ओरल कैविटी का कैंसर था, मुंह का कैंसर। और ये जो थे जब आए थे हमारे पास तो काफ़ी मैसिव डिज़ीज़ लेकर आए थे, काफ़ी सीरियस नेचर की डिज़ीज़ थी और इनका जो कैंसर था उसने सब कुछ इरोड कर दिया था। जैसे कि आप अभी एक फ़ोटो में देखेंगे इनके, उस कैंसर ने इनका पूरा चीक जो है वो गायब कर दिया था, साथ में वो जॉ बोन भी उसको इरोजन हो गया था, उसमें ईयर तक पहुंच गया था और आई भी इन्वॉल्व थी। और ये काफ़ी बैड शेप में थे जब इन्होंने हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मई 2019 में हमने इनको डेनवैक्स थेरेपी दी और आज की तारीख में ये बिल्कुल ठीक हैं। इनका वो जो वूंड है, जो गेपिंग वूंड था, जो ओपन वूंड था जिसमें के काफ़ी सारी अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स थी, वो भी क्लोज हो गया और ये बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। ये खाना खा सकते हैं और ये अपनी वापस जॉब पर चले गए। इन्होंने अपना काम संभाल लिया है, इन्होंने अपने घर संभाल लिया है और ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। आइए आज हम इनकी कहानी सुनेंगे इन्हीं की ज़ुबान से। मेरा नाम मोहम्मद इलियास शेख है, सूरत शहर गुजरात से बोलता हूँ। मुझे 2014 में कैंसर हुआ था, डॉक्टर को बताया, उन्होंने ऑपरेशन का बोला, मेरी फैमिली ने ऑपरेशन का मना बोला कि अपने को ऑपरेशन नहीं कराना है, ये आयुर्वेदिक की दवा करी। आयुर्वेदिक की दवा 2-3 साल तक चली, डॉक्टर भी बताते रहे, डॉक्टर का भी इलाज चालू रहा, पर मेरी बीमारी बढ़ती गई धीरे धीरे और छिले 4 स्टेज तक पहुंच गई। और मुझे जब कीमो दिया गया छिले, डॉक्टर ने मना बोल दिया, जब उनकी कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकती है, उनको घर ले जाओ, ये महीने 1-1.5 महीने के मेहमान हैं, ये जो चाय उनको दो। तो मेरा एक दोस्त आया अल्ताफ खान का, उसने डॉक्टर जमाल खान का वीडियो देखा था, तो उन्होंने बोला कि सर डॉक्टर जमाल खान का जो है वीडियो आप देखो, और आप तो सब मेहनत कर चुके हैं आयुर्वेदिक में, जो भी है सब तुमने देख लिया है, अब एक बार तुम इसके अंदर ट्राई करके देखो, ये इम्यूनिया थेरापी है, इसके अंदर तुम इलाज चालू करो। तो हमने वीडियो देखे डॉक्टर जमाल खान के, तो मेरे भाई लोगों ने हिम्मत दी, मेरी मदर ने हिम्मत दी, मेरी वाइफ ने हिम्मत दी कि चलो ये करती है। तो फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली और सब उनको डॉक्यूमेंट भेजे, उन्होंने देखा, मेरे बड़े भाई ने बात करी, तो ठीक है चालू करो तुम इम्यूनोथेरेपी की। जेंटस के अंदर जो इलाज चालू करा, तो 6 महीने तक इलाज चालू रहा, इसके अंदर थोड़ा रिकवरी हुई, सर को बात करी, सर ने थोड़ा परिवर्तन लाई ट्रीटमेंट के अंदर, और जिस टाइम गाइड करते गए सर, उस टाइम हमने ट्रीटमेंट चालू रखी, तो हमको थोड़ा सा फ़ायदा भी दिखता गया। तीसरे चौथे इंजेक्शन के बाद दिखा हमको, उसके बाद सर से बात करी और सर ने ट्रीटमेंट चेंज करी,
उसके बाद जो फ़ायदा हुआ है तो 3 महीने के अंदर रिकवरी हो गई मुझे। उसके बाद 3 महीने के बाद, दूसरे 3 महीने के बाद मैंने PET CT करवाई, उसके अंदर पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज मैं कैंसर मुक्त हूँ। लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज इम्यूनोथेरापी जो है सर डॉक्टर जमाल खान, इनकी ट्रीटमेंट चालू करो, इंशाल्लाह तुमको सबको फ़ायदा होगा। आज मैं कैंसर मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि मेरा ये कंडीशन है घाव की और थोड़ी आँख का पर्दा खींचा गया है, इंशाल्लाह भी थोड़े टाइम बाद अच्छा हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। शेख इलियास साहब एक फ्रूट सेलर हैं और उनको ये प्रॉब्लम करीब 2015 और 14 के बीच में शुरू हुई थी। 2014 में इनको एक फुंसी जैसी फीलिंग हुई कि इनके जैसे कोई एक गांठ हो गई है, एक फुंसी हो गई है चीक में, लेफ्ट चीक में, जिसके बाद इन्होंने करीब 2015 मई में अपनी जांच कराई, एक बायोप्सी कराई। उस बायोप्सी में ये पता चला कि ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, लेकिन इन्होंने कोई ख़ास अपना ट्रीटमेंट चूज़ नहीं किया, इन्होंने सर्जरी नहीं कराई और कीमोथेरेपी के लिए भी इन्होंने अपनी सहमति नहीं दी। इन्होंने खाली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया, जो इनके अपने भाई जो थे जो आयुर्वेदिक में जानते थे, तो उनसे इन्होंने हेल्प ली और उन्होंने फिर इनका आयुर्वेद से ट्रीटमेंट शुरू किया। लेकिन डिजीज़ जो है अनफॉर्चुनेटली बढ़ती चली गई, प्रोग्रेस करती चली गई और इनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। 2015 में जाके जब इनको प्रॉब्लम शुरू हुई, तो 2016 में फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी सी कीमोथेरेपी ले लें। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एडवाइस किया आप कीमोथेरेपी ले लीजिए। इन्होंने 3 साइकिल्स कीमोथेरेपी लिए, लेकिन उससे भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इनका जो डिज़ीज़ था वो प्रोग्रेस कर रहा था। लोकली ही डिज़ीज़ एडवांस थी और ये जो थी काफ़ी मैसिव और डिस्ट्रक्टिव नेचर की डिज़ीज़ थी। जो कैंसर था उसने सारे एरियाज़ को इरोड कर दिया था, इनका मसल जो चीक मसल था वो ख़त्म हो गया था, इनकी टंग और सारे एरियाज़ जो ओरल कैविटी के जो माउथ के होते हैं वो मुतासर थे इससे। इसके अलावा वो खाना नहीं खा पा रहे थे और वेट इनका 45 kg हो गया था। तो ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराते रहे फिर भी, और इन्होंने कीमोथेरेपी फिर बंद कर दी और इनको लगा कि अब इन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा तो अब क्या करें। फिर इन्होंने फिर जाके अपने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने उनसे कहा कि आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 महीना रह गया है और आप इन्हें आप ले जाइए, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इनके रिश्तेदारों से इनके भाइयों को बताया कि हम, उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए और कहा हमारे पास कोई इनके लिए ट्रीटमेंट नहीं है और आप इनकी खाली सेवा कर लीजिए जितनी भी कर सकते हैं। 2019 के मई में इन्होंने एक वीडियो देखा और उसके थ्रू हमको अप्रोच किया और वहाँ से इन्होंने कहा कि हम ये ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। और हमारे लिए भी ये मुश्किल काम था क्योंकि काफ़ी मैसिव और सीवियर किस्म की डिज़ीज़ थी, लेकिन फिर हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और 2019 के मई में इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, डेनवैक्स ट्रीटमेंट। फर्स्ट 2 डोजेस में इनको कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बस इन्हें ये लगा कि जैसे कि इनका एनर्जी लेवल इम्प्रूव कर गया, थोड़ी सी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो अच्छे हो गए। एनर्जी लेवल से मतलब ये कि इनको थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आ गई, फीलिंग ऑफ वेलबींग होने लगी और इनका थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू हुआ। इन्होंने 6 डोजेज डेनवैक्स की ली और इनको कोई ख़ास सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब से इन्होंने राय ली, डॉक्टर जमाल खान से, और उन्होंने फिर इनको एडवाइस किया कि आप अपना डेनवैक्स का ट्रीटमेंट कंटिन्यूड रखिए, उसको स्टॉप नहीं करेंगे अभी, साथ में हम एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो इनको साथ में दी, वो भी इम्यूनोथेरेपी है, और फिर उसके बाद इनको डेनवैक्स कंटिन्यू रखा हमने। आज की तारीख में इन्होंने 16 डोजेस ले ली हैं, 2021 हो रहा है ये, और इन्होंने 16 डोजेस ले ली हैं डेनवैक्स की। ये बिल्कुल फाइन है, ये खाना खा सकते हैं, ये बात कर सकते हैं, ये अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेट ऑफ हेल्थ में है। कोई कह नहीं सकता कि ये इस बीमारी से उठ के यहाँ तक आ गए। इसके साथ में इनका वज़न जो है आज की तारीख में करीब 70 kg है, विच मीन्स कि ये काफ़ी अच्छा इनका वेट गेन हुआ है और ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसमें हमारी टीम का भी बहुत बड़ा रोल है, डेनवैक्स टीम ने भी इनका बहुत ख्याल रखा ऑल थ्रू आउट। इनकी बीच बीच में जो है वो ड्रेसिंग भी करते थे, इस वुंड के क्लोजर में भी हेल्प हुई है, और क्योंकि वुंड जो था वो इन्फेक्टेड था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, तो
तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, इट्स क्वाइट डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ ट्यूमर। तो ये जो था इसमें भी इन्होंने हेल्प हुई और हमारी टीम का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं आपको ये भी बता दूं थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री कि ये करीब अपने यूथ में तंबाकू का इस्तेमाल करते थे और इनको इस बीमारी होने से पहले यानी कि 2014 में जब इनके फुंसी और गांठ हुई उससे पहले करीब 10 साल तक इनका लॉक जॉ था। लॉक जॉ का मतलब ये होता है कि उनका जबड़ा जो था वो पूरी तरह खुलता नहीं था और इनको खाने में दिक्कत होती थी उस वक्त भी। तो 10 साल से करीब इनको ये इनका पूरा मुंह जो है वो पूरी तरह प्रॉपर्ली खुलता नहीं था। और इसके साथ साथ ये मैंने इनसे पूछा आप तंबाकू क्या करते थे, तो इन्होंने कहा ये तंबाकू खा के और फेंक देते थे यानी कि चबा के थूक देते थे, तो एज सच ये मुँह में रखते नहीं थे। तो ये जो हम यंग स्टेज पे जो तंबाकू खाना शुरू करते हैं और तो इसका आप नतीजा आप खुद ही देख रहे हैं कि ये काफ़ी डेंजरस होता है। मेरी तो राय यही होगी कि जो लोग तंबाकू खाते हैं उसको छोड़ दें अगर हो सके। और तंबाकू से हमारे यहाँ ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ इंडिया में नंबर वन कैंसर ओरल कैंसर ही है। उसकी वजह यही है कि तंबाकू, बीड़ी, पान और जो चूना है और साथ में स्मोकिंग, तो ये सब चीज़ें जो हैं नुकसानदेह हैं। इलियास साहब का ट्रीटमेंट अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, अभी हमने ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं करा है लेकिन वो परफेक्टली फाइन है। उनका गैप जो है वो बढ़ गया है, जिस पीरियोडिसिटी पे डेनवैक्स ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया है, वो हमारे केयर और सुपरविजन में है और हम उनको गुड लक विश करते हैं। थैंक यू।